और उधर भाई बहनों का पर्व रक्षा बंधन में रक्षा सूत बांधने के लिए शनिवार का सारा दिन शुभ है। इससे इसमें भद्रा नक्षत्र बाधक नहीं है, यह दावा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुधानंद झा ने किया है। भाई बहन का पर्व रक्षा बंधन में रक्षा सूत बांधने के लिए किसी नक्षत्र को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर्व में प्रेम श्रद्धा की भावना का महत्व है। वहीं ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को रक्षा सूत बांधने के दौरान भद्रा नक्षत्र और समय शुद्धि का विचार किया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार एक दिन पूर्व रात्रि में भद्रा नक्षत्र लग रहा है, जो शनिवार के दिन 11 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया है कि पूर्णिमा है, सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ रहा है। उस दिन श्रवण नक्षत्र है और सौभाग्य नाम का योग है, स्थिर योग है। यह सारे योग भाई बहन और ब्राह्मण के लिए बहुत ही शुभ है। माता महालक्ष्मी सबसे प्रथम राखी बांधी थी राजा बलि को, इसलिए आज भी कहीं यज्ञ में जाते हैं तो यजमान की सुरक्षा के लिए आप देखते हैं कि ब्राह्मण जो है आचार्य यजमान के रहस्य में राखी बांधते हैं और वही मंत्र पढ़ते हैं जो मंत्र माता महालक्ष्मी ने राजा बलि के कलाई में राखी बांधते हुए बांधी थी। येन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबल तेनत्वाम प्रतिबधनाम रक्षे मा चल मा चल, अर्थात हे रक्षाशूद्र, हे राखी, रक्षाशूद्र नाम राखी है, राखी से बहन बोलती है कि जिस राखी से, जिस रक्षाशूद्र से राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने बांधा और उनको सुरक्षा प्रदान की, उसी रक्षाशूद्र से मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध रही हूँ। मेरे भाई का सब कुछ बना रहे, इनका जीवन खुशहाल रहे, इनके जीवन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो, तो यही मंत्र हम पढ़ते हैं। दूसरी बार का जो पूर्णिमा है, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ रहा है, उस दिन श्रवण नक्षत्र है और सौभाग्य नाम का योग है। बड़ा सुंदर योग है, इस बार स्थिर योग है उस दिन। तो ये सारे योग भाई बहन के पर्व के लिए, जो ब्राह्मण यजमान को बांधते हैं पर्व के लिए, बहुत सुंदर दिन है। ये बहुत वर्षों के बाद ऐसा आया है। वैसे रक्षाबंधन होता है, इसमें कोई योग हो या ना हो, केवल पूर्णिमा और भाई बहन का प्रेम यही देखा जाता है, सबसे बड़ा योग है। इस बार कोई विवादित नहीं ना, कोई विवाद समय का कभी कोई विवाद नहीं। भाई बहन के पर्व में तो कभी कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए।